नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सिविल और मैं हूं आपके साथ चोप सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। ताजनगरी आगरा में हनुमान जन्मोत्सव पर जगह जगह भंडारे का आयोजन किया गया। वहीं देखिए किस प्रकार लोगों ने हनुमान चालीसा एवं हनुमान जी पर नेजा और झंडा चढ़ाकर हनुमान जी का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि आगरा ग्वालियर रोड स्थित ग्राम पंचायत टोरा के प्राचीन पुजारी बाबा हनुमान मंदिर पर हनुमान जी के जन्मोत्सव के मौके पर रामायण पाठ कर हनुमान जी पर चोला और नेजा चढ़ाने के लिए एक परिवार हरिद्वार से गांव टोरा पहुंचा। मंदिर के महंत रमेश बाबा ने बताया है कि हरिद्वार से सैनी परिवार ने आकर हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर बाबा पर चोला और नेजा चढ़ाने के साथ साथ एक भंडारे का भी आयोजन किया है। दो दिवसीय रामायण पाठ के बाद मंगलवार को भंडारे का आयोजन हुआ। हरिद्वार से अपने परिवार के साथ पहुंची गीता सैनी ने बताया है कि मंदिर के विषय में मान्यता है कि जो भी कोई सच्चे मन से पूजा अर्चना करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। उन्होंने बताया है कि हनुमान बाबा ने उनकी भी मनोकामना पूर्ण की है और उसी के लिए आज वो है यहाँ भंडारा करने पहुंची हैं। इस अवसर पर मौजूद रहे रमेश बाबा मंदिर पुजारी मुनेश आनंद महाराज, पुरुषोत्तम शर्मा हरिद्वार से, गीता सैनी, प्रेमवती सैनी, वंदना सैनी, राकेश सैनी, ऋषिपाल सैनी, राघव सैनी, वीर सिंह सहित देखिए किस प्रकार वीर सिंह, श्याम सिंह, देशराज, सुखवीर, सत्येंद्र, नहने बघेल सहित तमाम भक्तगण हनुमान बाबा के मंदिर पर मौजूद रहे। तो जानिए क्या कुछ बोले हैं हनुमान जयंती के इस अवसर पर, किस प्रकार यहाँ इस मंदिर के विषय में मान्यता है कि जो भी कोई सच्चे मन से पूजा अर्चना करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम ऋषिपाल सैनी है। सैनी साहब, किस प्रकार का आयोजन है, कहाँ से आए हो आप लोग, क्या कहना चाहते हो इस मंदिर के लिए? हम ये कहना चाहते हैं कि हम जो है यहाँ पे हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में आए हैं। हमारी भतीजी थी जो काफ़ी बीमार थी और उनका यहाँ से बाबा ने झाड़ा किया है, ये बाबा है यहाँ पे और इनकी बहुत मान्यता है, मंदिर में बहुत मान्यता है। काफ़ी इलाज कराया तो इलाज से ये ठीक नहीं हो पाई और यहाँ किसी ने बताया था इस मंदिर के बारे में, यहाँ है, यहाँ इन्होंने झाड़ा करा तो अब भली भांति चंगी है देखो। और जो है इसी उपलक्ष्य में हमने रामायण का पाठ कराया और जो हनुमान जी जयंती उपलक्ष्य में चोला भी चढ़ाया और ऊपर नेजा भी चढ़ाया। और अब मेरे को भी काफ़ी परेशानी है, मेरे को ब्लड कैंसर हो गया था, मेरे शरीर में परेशानी है तो मुझे इन्हीं के जरिए मैं भी आया हूँ यहाँ पे। दो तीन दिन हो गए मुझे रहते हैं, मुझे झाड़े में काफ़ी आराम है तो मैं वाक्य से भी जैसे गुरु जी कहेंगे ऐसे ही जो है इनकी फॉलो करूँगा इनको, मेरे को भी आराम हो गए भाई। आप अपना परिचय दीजिए। जय श्री राम, मेरा नाम वंदना सैनी है और मैं हरिद्वार से। अच्छा, आज यहाँ किस प्रकार का आयोजन है आप लोगों के द्वारा? आज हम जैसा कि हनुमान जयंती है और हनुमान जयंती के पावन अवसर पर हमने यहाँ पे एक रामायण का पाठ रखाया था, नेजा चढ़ाया है हनुमान जी पर और आज यहाँ हमने एक भंडारे का आयोजन भी किया है। और यहाँ रमेश बाबा का मंदिर है, वो एक बजरंग बली का मंदिर है, वो इस मंदिर में पूजा नहीं है। तो इस मंदिर के बारे में ऐसी मान्यता है कि अगर कोई सच्चे मन से किसी को कोई कष्ट है और वो यहाँ पे आके सच्चे मन से अर्जी लगाता है तो उसकी मनोकामना पूरी होती है, ऐसी मेरी भी हुई है। आप लोगों की हुई है कोई मनोकामना? हाँ जी, मैं बहुत बीमार थी और मैं अब ठीक हूँ, आप देख सकते हैं आज से 3 महीने पहले मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी। आप सभी भक्तों को हनुमान जयंती की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आप सबको बता दें कि आगरा ग्वालियर रोड स्थित ग्राम पंचायत इटौरा में यहाँ एक हनुमान जी का प्राचीन मंदिर विराजमान है जिस पर कभी पुजारी बाबा पूजा अर्चना करते थे। आज हमारे साथ बाबा रमेश हैं जो कि यहाँ पूजा अर्चना करते हैं और आप मेरे साथ ये भक्त देख रहे हैं, ये भक्त काफ़ी दूर से आए हैं और इनकी मनोकामना पूर्ण होने पर आज मंदिर पर जहाँ जिन्होंने रामायण का पाठ कराया है साथ ही साथ बाबा हनुमान जी पर चोला चढ़ाया है और नेजा भी चढ़ाया है, इनका कहना है कि इस मंदिर के विषय में मान्यता है कि जो भी कोई सच्चे मन से इनकी पूजा अर्चना करता है उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। ये काफ़ी दूर से आए हैं और इनकी मनोकामना पूर्ण हुई है। ये प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर है चोप सिंह सक्सेना आगरा। और इसी के साथ जुड़े रहें आप हमारे साथ और देखते रहें हिंदुस्तान सिविल न्यूज।